नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत भालूमाड़ा में आग में जलने से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने युवक की मौत को हत्या बताया। मृतक के परिजनों के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते गई बेटी की जान। न्याय हेतु परिजनों ने भालूमाड़ा थाना अन्य सक्षम अधिकारियों सहित सीएम के समक्ष लगाई गुहार। आज दिनांक तक न्याय के लिए परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। उसकी माँ, बड़ी माँ हाँ। और भाई, कौन सा भाई, नाम? भाई तो नहीं थे, भाई बेचारे सीधे उसके। तो लड़की के माँ और बाप मिलके आग लगाए? हाँ, और एक और था वहाँ। और कौन था? नाम उसका पिल्ला भाई वाले का अबरार। वो कौन लगता है लड़की का? अरे ऐसे कुछ नहीं लगता, वो आके जब बढ़िया छत में ले जाके लगाया आग ना? छत में। वहां से तुम कैसे? तो जब आग लगा तब क्या किए तुम? चिल्लाए होगे ना बुझाने के लिए? कोई आया होगा या तुम भागते हुए गए होगे? क्या किए थे? जब मेरे आग लगी तो मैं चिल्लाया, ये लोग सब डर के मारे, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये लोग जल्दी जल्दी जो इनके हाथ में आ रहा था मार रहे थे बुझाने के लिए, और इसके माँ बाप हटा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब हल्ला हुआ और तो नीचे से इधर से उधर से सब लोग आने लगे, सब जल्दी जल्दी कोई पानी कोई चादर कोई कुछ ऐसे तेज। थोड़ी देर बाद जब आग लगी तो वो लड़की वहां पे थी, नीचे थी, कहां थी? मेरे सामने थी। मना नहीं करी? मना वो मतलब कैसे मना कर देते हैं, उसको कुछ पता थोड़ी ना। अच्छा। वो तो मैदान है, इतना सब कर डालेंगे उसको क्या पता। मतलब तुमको भी खुद को अंदाजा नहीं था कि उन लोग आग लगा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, है ना? क्या नाम है आप लोगों का? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम है जी। नाम सितारा नाम है। क्या है पूरा मामला आपका, ये सब चीजें? पूरा मामला ये है सर कि बागीपुर में आबिद हुसैन की बच्ची जो है ऐसा बहन जो है वो मेरे घर 28 फरवरी 2021 को आई और दिन भर रही। लड़का मेरा जो है बिल्कुल वो बोला कि पापा जाओ इसके मम्मी पापा को किसी को खबर करो, इसको ले जाए, ऐसे शादी नहीं करूँगा। फिर हम गए उसके एक दोस्त है अजीज भाई के अजीज खान उसके पास गए और वहाँ खबर दी। खबर देने के बाद वो खबर दिया बाली को अभी दोस्तों, वो हमारे घर आया, बोले भाई लड़की है क्या, हम तो यहाँ है। तो लड़की के पास गया, बोले चल बेटा जो है हमारी मतलब आज तुम्हारे बहन की मंगनी है और चलिए नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद जो है वो नहीं जा रही थी, बोले तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, शाम को फंसा रहे हो गाड़ी आग जड़ी में और हर मामले में उसको फंसाते हो, तो वो बेकसूर है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं शादी करूंगी, एक साथ तो मैं चलूंगी, या तो मेरी शादी करो या तो कोर्ट मैरिज कर दो तब मैं जाऊंगी। उसके बाद जो है नहीं जाती रही, सब लोग अजीज खान अबरा बाली और साबिर हुसैन पार्टों का लड़का ये आए और समझा बुझा रहे थे, इनको जाकर मारे भी, हमने बोला कि नहीं मारे।
दिन के अंदर जाएगी, हम समझा बुझा के भेजेंगे, कह नहीं जाएगी। फिर उसको बच्ची को समझाए बुझाए, बोले नहीं पापा मैं चटनी रोटी यहाँ खा लूंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। उस बार बहुत मुश्किल तमाम में यही करते कराते 5 बजे शाम को जब जबरदस्ती अबरार अहमद जो है आगे हाथ पकड़ के खींचा है और पीछे से बाली ठेल करके और गाड़ी में बैठा के ले गया। उसका दुपट्टा और चप्पल मेरे घर में छोड़ दिया। फिर ये लेके चले गए अबरार के यहाँ। अबरार के यहाँ रात बढ़ रही या जो भी रहा 4 घंटा रही 8 घंटा वहाँ नहीं मालूम हमको कितनी टाइम आई है। अपने आने के बाद फिर जो है तीसरे दिन मैं सुबह फोन किया आबिद हुसैन को कि क्या मैं घर आ सकता हूँ, तो बोले भाई अभी ना आओ मैं जा रहा हूँ जी हम वापिस थोड़ा काम है। उनके ठीक है, बोले शाम के आएंगे। उनके ठीक है भाई शाम के आएंगे। उसके बाद लड़का जो है 3 तारीख को जो है वो चप्पल उसकी जो छोड़ गई थी उसी के बारे ले करके पन्नी में और उसके घर गया। बोले ऐसा बानो कहाँ है, तो जो भी जवाब दिए हो बहरहाल क्योंकि घर के अंदर है। अब वहां के अंदर का मामला क्या हुआ क्या नहीं, अब वो तो मेरे बयान यही दिया कि जैसे मैं घर पहुंचा हूं अंदर वैसे मेरे को डबोच लिए है अबरार और भालू और ये घर से हुए ले गए ऊपर मंजर में और वहां आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ तब लोग भागे, मैं भी पहुंचा वहां। जाने के बाद देखा तो वो काफी जल चुका था। हम बोले कि अब क्या पानी डाल रहे हो, जब जला ही दिया जल गया वो तो अब पानी क्यों डाल रहे हो। तो उसकी पूरी शरीर की खाल निकल गई थी पानी के साथ साथ। वो आगे का सामने का गेट बंद कर लिए रहे शटर गेट। उसके बाद में जो है वो पीछे से कूद काट के बहरहाल निकल के भागा है हॉस्पिटल के पास। लड़के लोग ले गए उसको गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल। वहां पे डॉक्टर ने बोला यहाँ मेरे बस का नहीं है, तुरंत जो है शहडोल रिफर कर दूंगा। शहडोल वाला देखा मलाम पट्टी की इंजेक्शन लगाया वो तुरंत जो है रिफर कर दिया बिलासपुर। अब हमारी प्लानिंग ये थी कि ये लड़का था सेक्टर 9 ले जाने के लिए फिलहाल, लेकिन रास्ते में तबियत उसकी बिगाड़ने से बिलासपुर में भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद वो 5-6 दिन जिंदा था। उसके बाद जो है मैडम तहसीलदार है।